अभी मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। इसमें ए सेट हमें दे रहा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स सेटिस्फाई एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस ट्वेल्व इज इक्वल टू ज़ीरो। तो सबसे पहले ऐसी वैल्यूज़ एक्स की जो इसको सेटिस्फाई करें, तो इसके रूट अगर हम निकालेंगे तो ये आएगा सिक्स और टू, या फिर ऑर्डर वाइज लिखें पहले टू फिर सिक्स। ठीक है, ये ए है। बी हमें दे रखा है, बी हमें दे रखा है टू फोर सिक्स है, और सी हमें दे रखा है टू फोर सिक्स एट सो ऑन ऐसे है, और डी है सिंपली सिक्स। अब हमें बताना है कौन सा किसका सबसेट है। तो आप देखो डी का एलिमेंट इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, यानी डी सबसेट हो गया ए का, डी सबसेट हो गया बी का, और डी सबसेट हो गया सी का। तो डी तो तीनों का सबसेट है। अब ए देखो, सबसे छोटा सेट जो था डी था, क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट था। उसके बाद छोटा सेट कौन सा है, ए है, जिसमें सिर्फ दो एलिमेंट है। तो ए सबसेट हो गया बी का और ए सबसेट हो गया सी का। अब बारी आती है बी, तो बी के सारे एलिमेंट सी में हैं, तो बी सबसेट हो गया सी का। बस यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू में ये बोल रहा है, हमें बताना है ट्रू है या फॉल्स। इफ़ एक्स बिलोंग्स टू ए एंड ए बिलोंग्स टू बी, देन एक्स बिलोंग्स टू बी, मुझे ये बताना है, सही है। तो आप सबसे पहले क्या दो, ऐसे क्वेश्चंस में ट्रू फॉल्स बताने के लिए आप क्या करेंगे, कोशिश ये करेंगे एक ऐसा एग्जांपल निकालने की जो इसको सेटिस्फाई ना कर रहा हो। जैसे कि मैंने ए कोई बोला वन है, ठीक है, इसका मतलब वन है, तो वन जो है एलिमेंट है ए का, ठीक है, और आगे बोला ए एलिमेंट है बी का, यानी बी के अंदर एक सेट हो गया सपोज थ्री और ऐसे वन। तो ए जो है ये पूरा ए है, ये बी के अंदर है, तो इसका मतलब मेरी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि वन एलिमेंट है ए का और ए एलिमेंट है बी का, ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो क्या यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि वन एलिमेंट है बी का, तो वन एलिमेंट नहीं होगा बी का, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि एलिमेंट तो ये है, ये है पूरा एलिमेंट, बी का एलिमेंट ये है, ये अंदर वाला सिंगल वन उसका एलिमेंट नहीं है, सिंगल थ्री उसका एलिमेंट हो सकता है, लेकिन ये नहीं है, सिंगल वन नहीं है, ठीक है। उसके लिए अगर सिंगल वन होना है तो उसके लिए ऐसे होना चाहिए था, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट मेरी फॉल्स आ रही है। मान लीजिए हमने कहा कि ये एक्स है, तो एक्स ए का एलिमेंट है, ए बी का एलिमेंट है, तो एक्स बी का एलिमेंट नहीं है, ठीक है, तो इसलिए ये फॉल्स। तो हम कोशिश ये करेंगे ऐसा एग्जांपल ढूंढने की जिससे ये फॉल्स हम प्रूव कर सकें। अगर हम ऐसा नहीं ढूंढ पाते हैं कोई भी एग्जांपल, तो ये ट्रू होगा। जैसे सेकंड है, ये कह रहा है ए सबसेट है बी का, ठीक है, एंड बी जो है एलिमेंट है सी का, फिर से बोल रहा है एलिमेंट है, ध्यान देना, देन ए एलिमेंट है सी का, तो ये बताना है ट्रू है या फॉल्स है। तो ए सबसेट है, तो पहले तो ए को ले लिया फिर से मैंने वन, जितना छोटा सेट अज्यूम करेंगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है, एक सिंगल एलिमेंट का मिल जाए तो सबसे अच्छा है। दूसरी बात, ए तो हो गया वन, अब बी मुझे क्या है, बी मैंने बोला वन टू, तो ए का जो एलिमेंट वन है वो बी में है, इसका मतलब ए सबसेट तो हो गया बी का, करेक्ट है। अब बी जो है एलिमेंट है सी का, तो सी एक सेट होगा जिसके अंदर एक तो ये हो गया वन टू, ये पूरा का पूरा सेट जाएगा बी वाला सेट,
और एक एलिमेंट हो गया थ्री और एक फोर अलग से ले लिया। तो ये पूरा सेट है इसके अंदर, ध्यान देना फिर से, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि क्या ए, ए यानी ये वाला सेट, क्या ये ए सी का एलिमेंट है? तो ए सी का एलिमेंट कब होता अगर सी ऐसे होता वन और साथ में थ्री फोर, तब हम कह देते कि ए सी का एलिमेंट है। ये तो वन टू है पूरा का पूरा, तो इसको हम अलग दो हिस्सों में तोड़ दें ऐसा हम नहीं कर सकते। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, ए एलिमेंट नहीं है सी का, तो ये फॉल्स हो गया। तो मैंने एक ऐसा एग्जांपल अज्यूम किया है, तो ऐसे ही आप खुद ट्राई करो अपना एग्जांपल ले करके, तो थोड़ा क्लैरिटी ज़्यादा आएगी, ठीक है। थर्ड है कि इफ़ ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है ए का, एंड देन, नॉट एंड, देन देन ए सबसेट है सी का। तो इसमें अगर आप कोई भी एग्जांपल बनाओगे तो ये सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि जैसे सपोज मैंने बोला ए, मैंने बोला वन है, और क्योंकि ए सबसेट है बी का तो ये ऐसे हो गया, और बी सबसेट है सी का तो ये कुछ इस तरह से हो गया। जितना छोटा हो सकता उतना छोटा मैंने लिया है। तो यहाँ से नज़र आ रहा है ए सबसेट है बी का, ए का एलिमेंट बी में है, क्लियर है बिल्कुल, बी का एलिमेंट सी में है, सही है बिल्कुल। तो ए का जो एलिमेंट है वो सी में भी है, तो यानी ए सबसेट हो गया सी का, तो दिस इज़ ट्रू। तो इसके लिए मैं कोई भी एग्जांपल ऐसा नहीं बना पाऊँगा कि ये फॉल्स हो जाए। फिर है फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट ये बोल रहा है इफ़ ए सबसेट है बी का, नहीं नॉट ए सबसेट ऑफ बी, ए नॉट ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ सी, देन ए सबसेट नहीं होगा सी का। तो फिर से एग्जांपल बनाया कोई जो इसको सेटिस्फाई ना कर रहा हो, पहले ऐसे बनाने की कोशिश करना है। ए हमने बोल दिया वन है और बी हमने बोल दिया सपोज टू है और सी हमने बोल दिया वन और थ्री है, तो ए सबसेट नहीं है बी का, क्यों? क्योंकि वन बी के अंदर नहीं है, और बी सबसेट नहीं है सी का, क्यों? क्योंकि टू सी के अंदर नहीं है, लेकिन ए सबसेट है सी का क्योंकि वन सी के अंदर है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। अब फिफ्थ पार्ट देखो, फिफ्थ पार्ट ये बोल रहा है कि इफ़ एक्स बिलोंग्स टू ए एंड ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी, देन एक्स बिलोंग्स टू बी, ठीक है। तो एग्जांपल ले लिया ए, फिर से ले लिया मैंने वन, और ए सबसेट नहीं है बी का, तो बी मैंने ले लिया सपोज टू, तो अब एक्स, पहले वन, एक्स का मतलब वन, वन एलिमेंट है ए का, और यहाँ से कह सकते हैं ए सबसेट नहीं है बी का, लेकिन वन एलिमेंट नहीं है बी का भी, ठीक है ना। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि x एलिमेंट ज़रूरी नहीं है कि b का होगा, जैसे इसने बोला कि b का एलिमेंट होगा, तो ये स्टेटमेंट भी मेरी फॉल्स हो गई। फिर सिक्स देखो, सिक्स ये बोल रहा है कि इफ़ a सबसेट है b का एंड x एलिमेंट है, x एलिमेंट नहीं है b का, देन x एलिमेंट नहीं है a का, ठीक है। तो हमने कहा कि a सबसेट है b का, तो a हमने ले लिया वन और b हमने ले लिया वन कॉमा फाइव, तो a सबसेट हो गया b का, ये तो क्लियर है,
ठीक है। तो अब वो कह रहा है अगर एक्स बी का एलिमेंट नहीं है, तो एक्स मान लीजिए कोई भी एलिमेंट ऐसा जो बी में नहीं है, तो मान लेते हैं 6 है या 7 है, कुछ भी हो सकता है, 2 है। तो एक्स अगर बी का एलिमेंट नहीं है तो ये तो पक्का पक्का है कि वो ए का भी एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि वो सबसेट है। जो भी ए का एलिमेंट होगा बी में होगा, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई। तो एक बार फिर से आप चाहो तो डिस्कस कर लेते हैं। हमने बोला ए सबसेट है बी का, यानी ए का जो एलिमेंट होगा वो बी में होगा, ये पक्का पक्का है। तो हर कोई जो जो भी बी में एलिमेंट नहीं है तो वो ए में भी नहीं होगा, क्योंकि ये रूल हमने बताया था कि अगर ए सबसेट है बी का तो इसका मतलब होता है एक्स एलिमेंट है ए का तो एक्स एलिमेंट बी का भी होता है। सही है। तो अगर एक्स एलिमेंट बी का नहीं, मतलब पहले ये आएगा फिर ये आएगा, अब उल्टा जाते हैं कि एक्स एलिमेंट नहीं है बी का तो पक्का पक्का है वो ए में भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है। अगला क्वेश्चन करने से पहले एक नया कॉन्सेप्ट और डिस्कस करते हैं। हमने बोला जब दो एलिमेंट दो ऐसे दो थे, तो हमने ए यूनियन बी का फॉर्मूला निकाला था। अगर तीन हो जाएं, थोड़ा सा बड़ा करते हैं इनको, ऐसे ले लेते हैं। जैसे एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है, ये तीन सिचुएशन है, ठीक है। और ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो इसमें हम नेमिंग कर दें, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ, ये जी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, 6 नंबर का आता है, तो ध्यान से समझना है इसको। तो अगर मैं ये बोल रहा हूँ एन ए यूनियन बी यूनियन सी, इसकी बात कर रहा हूँ, तो ये क्या होगा, इन तीनों सर्कल में मिला करके जो होंगे, यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, ठीक है। ये है ए यूनियन बी, एक बात। दूसरी बात, अगर मैं फॉर्मूले के हिसाब से बोलूँगा तो ए यूनियन बी यूनियन सी का क्या फॉर्मूला बनेगा, तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी, माइनस कर दो ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए, और प्लस तीनों का ए बी और सी, ठीक है। अब समझो कैसे हुआ ये। हमने बोला ए, तो ए में ये पूरा ए वाला सर्कल आ गया, बी में भी पूरा सर्कल आ गया, सी में भी पूरा सर्कल आ गया। जब ए वाला सर्कल हमने बोला तो उसमें हमने ये वाला रीजन भी ले लिया, ठीक है, और ये रीजन बी में भी आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमने ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दिया, ठीक है। और फिर जब हमने बी और सी को ऐड किया तो बी और सी का फिर ये रीजन, ये वाला रीजन, तो इसलिए मैंने बी इंटरसेक्शन सी को माइनस कर दिया, क्योंकि जब बी और सी ऐड हो रहा तो उसमें ये वाला रीजन एक्स्ट्रा आ रहा है। फिर जब ए और सी में देखा तो ए और सी में ये वाला रीजन एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है। तो बीच का ये जो पोर्शन है इसमें तीनों कलर आ गए, रेड भी आ गया, ग्रीन भी आ गया, ब्लू भी आ गया, तो ये मेरा तीनों में सब्ट्रैक्ट हो गया, यहाँ भी सब्ट्रैक्ट हो गया, यहाँ भी सब्ट्रैक्ट हो गया, मतलब 3 बार तो ऐड हो रखा था। ये वाला रीजन ए में भी शामिल था, बी में भी शामिल था, सी में भी शामिल था, लेकिन जब इसको माइनस किया तो इसमें से कट गया एक बार, मतलब 3 बार ऐड हो रखा था, तो एक बार यहाँ से माइनस हो गया,
एक बार यहाँ से माइनस हो गया, एक बार यहाँ से माइनस हो गया, तो यानी ये टर्म तो मेरी गायब हो गई। तो गायब हो गई उसको लाने के लिए मैंने एक बार इसको ऐड किया। फिर से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान देना। हमने बोला कि जब ए वाला सर्कल था, तो चलो इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेनेटरी बनाते हैं। ए वाले सर्कल में हमारे पास क्या क्या हैं, ए है, बी है और ई है और एफ है। ए वाले सर्कल में ये सब है। बी वाले सर्कल में हमारे पास है बी, सी, डी और ई, ठीक है। और सी वाले सर्कल में ये तो ए वाला है, ये बी वाला है। और सी वाले सर्कल में मेरे पास आ गया डी, ई, एफ और जी, ये सी वाला आ गया, ठीक है। अब मैंने माइनस किया ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी में कॉमन क्या है, ए और बी में ये कॉमन है, ठीक है। ए और बी में क्या कॉमन है, बी और सी, बी और ई, ये है ए इंटरसेक्शन बी में। फिर माइनस कर दें बी और सी। बी और सी में क्या है कॉमन, डी और ई, बी और सी। फिर माइनस हमने बोला सी और ए, तो सी और ए में क्या कॉमन है, एफ प्लस ई, यह है सी इंटरसेक्शन ए। तो अब आप देखो, जब मैं ब्रैकेट ओपन करूँगा तो बी से मेरा बी कट गया, ठीक है, और ई से ई वाली टर्म, ई वाली टर्म से कट गई। फिर इस ई से ये वाली ई टर्म कट गई, इस ई से ये वाली ई कट गई, ठीक है। तो सॉल्व होके जो मेरे पास अभी आ रहा है, डी से ये डी कट गया और F से मेरा F कट गया। तो मेरे पास हमने बोला A इंटरसेक्शन A यूनियन B यूनियन C, मेरे पास ये आना चाहिए, ठीक है। तो A आ गया, B आ गया, फिर C आ गया, फिर D आ गया, फिर F आ गया, फिर G आ गया। यहाँ से ये सब आ गए, कमी किसकी है, E। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ई रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक ई मेरा कम था, इसलिए मैंने इसको एक बार ऐड किया। आई होप अब आप लोगों को थोड़ा सा और क्लियर होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इसका फॉर्मूला ये सारा है, ये आपको याद रखना है बहुत अच्छे से। और ये जो हमने फिगर से एक्सप्लेन किया थर्ड, वो भी आपको याद रखना है। क्या फिगर से आप ये देखो कि अगर मैं ए बोल रहा हूँ तो ए का मतलब ए बी ई और एफ, ए वाले सर्कल में जो सारे आ रहे हैं ये। तो एन ए अगर मैं बोलूँगा तो एन ए क्या है, वो है ए बी ई और एफ, ये ए है। और अगर मैंने बोला बी, तो बी वाले सर्कल में जितने भी एलिमेंट्स हैं, बी वाले में क्या है, B, C, D और E। और C में क्या है, C वाले सर्कल में जितने भी हैं, D, E, F और G, ठीक है। और फिर इंटरसेक्शन में A और B के इंटरसेक्शन में क्या है, B प्लस E। चौथा, A और B के इंटरसेक्शन में क्या आ रहा है, B प्लस E। तो इस फिगर से आपको बहुत अच्छे से समझ जाना चाहिए कि ए और बी का जब इंटरसेक्शन बोल रहे हैं, इसका मतलब बी और ई को बोल रहे हैं हम, ठीक है। और बी और सी का जब इंटरसेक्शन बोल रहे हैं तो डी प्लस ई है। तो बी और सी का इंटरसेक्शन है तो डी प्लस ई हम बोल रहे हैं।
और ऐसे ही ए और सी का है तो ई प्लस एफ हो गया, ए और सी का इंटरसेक्शन है तो वो हो गया ई प्लस एफ। और लास्ट में तीनों का जब इंटरसेक्शन है ए बी और सी तो ये मेरा ई है, तीनों का इंटरसेक्शन ये वाला एलिमेंट है ई। ठीक है, तो इसको साथ साथ मतलब जैसे मैं बना रहा हूँ ये साथ साथ आप नोट करते चलो, अगर छूट जा रहा है तो बैक करो, पॉज करो, समझो और फिर नोट करो, फिर जब ये हो जाए फिर आगे मूव करो। अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन लेने से पहले एक चीज़ और, फिर से हम तीन सर्कल बनाते हैं, इस बार ऐसे ही बना लेते हैं, एक दो और ये तीन हो गए। ठीक है, ये ए है बी सी डी ई एफ जी। अब ये ए है ये बी है ये सी है, अगर मैं कह रहा हूँ ये तो ऊपर जो बने पाँच छः, कई बार हमें टीचर बोलता कि फॉर्मूला बनाओ, फॉर्मूले से ही करो, अगर मुझे बोला गया ओनली ओनली ए तो ओनली ए यानी इसकी बात हो रही है, मतलब ए की बात हो रही है, ऐसा एलिमेंट जो सिर्फ ए में है और किसी में नहीं है। बी जो है ये वाला बी जो है ये बी में भी है ए में भी है, ई जो है वो तीनों में है ए बी सी में, एफ जो है ए में भी है सी में भी है, तो जो सिर्फ और सिर्फ ए में है वो है स्मॉल ए लेटर ए। तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, जो ए वाला है इसमें से हटा दो, क्या हटा दो, ए और बी का जो कॉमन है, ए और बी में इस पोर्शन को हटा दो जो कॉमन है। ठीक है, तो माइनस कर दिया हमने ए इंटरसेक्शन बी, साथ में इसको भी हटा दो, ये क्या है ए और सी का कॉमन, तो माइनस हो गया ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो इस प्रोसेस में आप ये देखो जो बीच वाला पोर्शन है उसमें रेड वाली लाइन भी आ रही है और ब्लू वाली भी आनी है, यानी बीच वाला पोर्शन दो बार माइनस हो गया, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, जबकि माइनस होना था तो एक ही बार माइनस होना चाहिए था, क्योंकि दो बार माइनस हो गया तो बैलेंस करने के लिए प्लस कर दिया ए बी और सी के इंटरसेक्शन को, तो ये फार्मूला बन गया ओनली ए का। अगर ओनली बी का बनाएंगे, ओनली बी मतलब सी एलिमेंट सी, तो क्या होगा बी में से, अब इसको ऐसे समझो आप, जब मैंने ए बोला तो ए का यहाँ इंटरसेक्शन में ए होना चाहिए, यहाँ भी ए होना चाहिए, और एक ये तीनों तो आएगा ही आएगा, तो यहाँ बी है तो क्या होगा माइनस होगा बी और सी, माइनस होगा बी और ए, तो बी तो आ ही रहा है दोनों में, प्लस ये तीनों तो ऐड होने ही होने हैं ए बी सी। ऐसी अगर मैं कह रहा हूँ ओनली सी, तो ओनली सी में क्या है जी, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, सी में से आप माइनस करो किसको, सी आना चाहिए सी आ रहा है, फिर सी आना चाहिए सी आ रहा है, प्लस तीनों का ए बी और सी। तो इसको बनाना सीख लो, मतलब याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग ले ली तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, ये आप इजीली खुद ही बना लोगे क्या फार्मूला है। ठीक है, फिर एक और हम बात करते हैं, सपोज़ मैंने बोला कि फाइंड करो ए एंड बी बट नॉट सी, ये बोल दिया, तो यानी ए इंटरसेक्शन बी नॉट सी, यानी सी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक, यानी कुल मिला के आप इससे परेशान ना हो सी का कॉम्प्लीमेंट, अरे सर ये तो क्या हो गया। ठीक है ना, आप बहुत सिंपल रखो चीज़ों को, मतलब हमें ऐसा एलिमेंट चाहिए जो ए एंड बी में होना चाहिए लेकिन सी में नहीं, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग एलिमेंट विच इज इन ए एंड बी बट
नॉट इन सी। तो आप देखो ए इंटरसेक्शन बी को देखो पहले, एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है, तो ए एंड बी का इंटरसेक्शन देखा तो क्या आ रहा, बी और ई। तो हमें एक ऐसा एलिमेंट चाहिए जो ए में हो और बी में हो, सी में ना हो। बी ऐसा एलिमेंट है जो ए में भी है बी में भी है, ठीक है ना, और ई ऐसा एलिमेंट है जो सी में भी है, ए बी के अलावा सी में भी है। तो बहुत सिंपल हो गया, क्या बना फॉर्मूला, आप ये कहो कि ए इंटरसेक्शन बी में से क्या हटा दो, ए बी और सी ये हटा दो। ये देखो ये है ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ से लेके यहाँ तक जो मैं घुमा रहा हूँ उसको, फिर से देखना ब्लू वाला जो हाईलाइट किया हुआ है, ये है ए इंटरसेक्शन बी और हमें सिर्फ बी चाहिए, ये वाला एलिमेंट चाहिए। तो ए इंटरसेक्शन बी में से क्या हटा दो, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन क्या है तीनों का कॉमन। तो ए इंटरसेक्शन बी में से ए बी एंड सी को माइनस कर दिया। तो इसी के बेसिस पे मैं ये कह सकता हूँ, अगर मैंने बोला ए एंड सी बट नॉट बी तो क्या होगा, ए और सी में से आप माइनस कर दो। ए एंड सी बोलो ना, ए एंड सी होना चाहिए, बट नॉट, बट नॉट है तो वो नहीं होना चाहिए। तो ए एंड सी हो गया, उसमें से माइनस कर दो तीनों का इंटरसेक्शन। फिर अगर मैंने बोला बी एंड सी होना चाहिए बट नॉट ए तो क्या होगा, बी और सी में से आप माइनस कर दो ए बी और सी। तो ऐसे हम फॉर्मूला बना सकते हैं, सही है। अब क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में ये कह रहा है इन ए सर्वे ऑफ 60 पीपल, टोटल हो गए 60, यानी ये तो हो गया यूनिवर्सल, ठीक। 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच, तो न्यूज़पेपर एच वाले हो गए 25, ठीक। फिर 26 टी वाले हैं, न्यूज़पेपर टी वाले हैं 26, और फिर आई वाले हैं 26 आई वाले भी हैं, और फिर कह रहा है 9 रीड एच एंड आई, तो एच एंड बोल दिया तो इंटरसेक्शन, तो ये 9 है, और 11 बोथ एच एंड टी, तो एच एंड टी ये हो गए 11। फिर है 8 बोथ टी एंड आई, तो फिर हो गया टी एंड आई ये हो गया 8। फिर हो गया 3 है ऑल 3 न्यूज़पेपर, यानी एच टी एंड आई वाले हो गए 3। अब आपको क्वेश्चन ने ये पूछा है फाइंड करो नंबर हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, तो एटलीस्ट का मतलब ये हो गया यूनियन, टी यूनियन आई। तो यहाँ तो सिंपली आप पहले फॉर्मूला ही लगा लो, एच प्लस टी प्लस आई माइनस एच एंड टी माइनस टी एंड आई माइनस आई एंड एच प्लस तीनों का एच टी एंड आई, ऐसे। तो इसकी वैल्यू कितनी थी, एच की 25, टी की 26, आई की भी 26, ठीक है ना, 25 26 26। फिर एच एंड टी 11, फिर टी एंड आई 8, फिर आई एंड एच 9, फिर तीनों में कॉमन 3। अब इसकी वैल्यू निकाल लो, तो ये कितना हो गया 19 और 9 28, ठीक है 28 में से 3, तो 25 से 25 कट जाएगा, ये इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो कट जाएगा, तो बच गया 26 26 52। तो यही मेरा आंसर आ गया, सही है। फिर सेकंड पार्ट इसने बोला है हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर,
सेकंड पार्ट है एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, जैसे मैंने बोला एक ये है एच, ये हो गया टी और ये हो गया आई, एच टी और आई, ये ए बी सी डी ई एफ और जी ऐसे हैं। तो अगर मैं यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ जी ना निकाल, अच्छा पहले तो रुको, एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर यानी ये और ये, मुझे इनकी वैल्यू बतानी है, यानी ए प्लस सी प्लस जी, इनकी वैल्यू बतानी है। तो ए अगर निकालना तो इसका फॉर्मूला लगाओ, एच माइनस एच इंटरसेक्शन टी माइनस एच इंटरसेक्शन आई प्लस तीनों का कॉमन एच टी एंड आई, ये तो मिल गया ए। तो वैल्यू लगाओ, एच कितना था 25 और एच एंड टी कितना था, एच एंड टी मेरा था एच एंड टी 11 और एच एंड आई मेरा कितना था, एच एंड आई है मेरा एच एंड आई 9 और तीनों में कॉमन 3, तो इसकी वैल्यू हो गई, ये हो गया 20, ये हो गया 25 माइनस 25 प्लस 3 8 आ गया। ठीक, अब ऐसे ही सी निकालो, सी क्या होगा, सी है टी वाले सर्कल में, तो पहले तो टी में से आप माइनस करो, यहाँ पर टी की एक टर्म आनी चाहिए, फिर यहाँ पर आई एन टी, फिर से टी की टर्म और प्लस तीनों का कॉमन एच टी एंड आई। तो टी आप चाहो तो ए बी सी लिख सकते हो, ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि टी एंड आई करें, वो तो मैंने क्वेश्चन के हिसाब से लिख लिया, बाकी फॉर्मूला बनाना आना चाहिए, मैंने बताया। तो टी मेरा 26 था, एच एंड टी ऊपर लिखा ही हमने 11 है, आई एंड टी, टी एंड आई हमारा कितना था, टी एंड आई 8 है, तो ये हो गया 8 और इसकी वैल्यू हमारी 3, तो ये हो गया 19 और 19 में से 3 माइनस करेंगे 16 और ये सॉल्व करके 10 आ गया। अब हमें निकालना जी, तो जी वाला हो गया हमारे पास आई वाला सर्कल, तो आई में से आप माइनस करो एच एच एंड आई, फिर माइनस करेंगे टी एंड आई, फिर प्लस होगा एच टी एंड आई। तो आई वाले सर्कल की वैल्यू कितनी है, 26 है ये भी, और एच एंड आई, एच एंड आई ये रहा इट इज़ 9, टी एंड आई, टी एंड आई इज 8 प्लस 3, तो ये हो गया 17 और 17 में से 3 माइनस करेंगे तो 14, ये 12 आ गया। तो अब ए प्लस सी प्लस जी कितना हो गया, 8 10 12, तो ये 30 हैं जो एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया। अब इसी क्वेश्चन को करने का एक अल्टरनेट मेथड हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मैक्सिमम स्कूल्स में वो कहते हैं कि आप जो है फॉर्मूला बना के करो, इसलिए मैंने ऐसा डिस्कस किया। तो फिगर से भी हम डायरेक्टली बना सकते हैं, कैसे, ये 3 सर्कल हो गया, तो तीनों में जो सबसे कॉमन था वो ये है, और तीनों का कॉमन हमको बोला गया था कितना था, 3 था, ये था एच टी एंड आई, तीनों का कॉमन हमारा, तो उसको यहाँ लिख लिया 3। फिर हमें बोला गया अगर ये एच है, ये टी है और ये आई है, फिर एच एंड टी में जो कॉमन था, एच एंड टी में कॉमन यहीं लिखा होगा, ये रहा एच एंड टी का कॉमन कितना, 11। ठीक है, तो एच एंड टी में कॉमन क्या है, ये और ये मिला के है,
समझ रहे हो, एच एन टी का कॉमन कौन सा पोर्शन है, एच एन टी का कॉमन पोर्शन ये है, ये वाला। तो इन दोनों वैल्यूज़ का सम मेरा कॉमन आएगा। तो अगर ये मेरा 3 है तो ये मेरा टोटल 11 है, तो ये 8 होना चाहिए, तो 8 प्लस 3 11 हो गया एच एन टी। फिर टी एंड आई, तो ये टी है और ये आई है, दोनों में कॉमन कितना है, 8 है। तो टी एंड आई का कॉमन देखो कौन सा है, टी एंड आई का कॉमन ये है, ठीक। तो ये दोनों का सम अगर 8 है तो उसमें से 3 हटा दो तो ये 5 हो गया, ठीक। फिर टी एंड आई के अलावा ये हो गया एच एंड आई, एच एंड आई 9 है हमारा, ये रहा एच एंड आई का वैल्यू 9 है। तो 9 है तो इसको कौन सा वाला है एच एंड आई, ये वाला पोर्शन, ये। तो अगर मैं इसको लिखूँगा 9 में से 3 हटा दिया तो 6 हो गया, सही है। अब जो H वाला था, H की वैल्यू NH मुझे क्वेश्चन में दे रखी थी 25 है, ठीक है। तो 25 में से 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 6 17 आप इसमें से हटा दो, अगर मैं 17 माइनस करूँगा तो 8, तो ये वैल्यू मुझे 8 मिल गई। फिर H की जो वैल्यू, T की जो वैल्यू थी मेरे पास वो थी 26, तो T में से अब आप ये वाला हटा दो 8, 3 और 5, 8 प्लस 3 11 प्लस 5 16, तो 16 माइनस करेंगे तो 10, तो ये वैल्यू 10 आ गई। फिर I की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी थी, I की वैल्यू भी मुझे 26 दे रखी थी, तो उसमें से इन तीन को हटा दो, तो 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 5 14, तो 14 अगर मैं माइनस करूँगा तो 12 आ गया, ठीक है। तो वो यहाँ लिख लो, तो अब इनकी वैल्यू निकाल ली, वैल्यू लिख ली, एग्जैक्टली 1 क्या हो गया, एग्जैक्टली 1 इज इक्वल टू 8 प्लस 10 प्लस 12, तो ये भी 30 आ गया। बस इसमें कैलकुलेशन कम होती है, तो इट इज़ अप टू योर स्कूल कि वो क्या सजेस्ट करते हैं, किसको एक्सेप्ट करते हैं। अब एक क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। 16 ये कह रहा है, इन ए सर्वे इट वॉज फाउंड 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए, तो प्रोडक्ट ए कितने हैं 21, एंड 26 लाइक प्रोडक्ट बी, तो प्रोडक्ट बी वाले कितने हैं, ये है 26, एंड 29 लाइक प्रोडक्ट सी, और फिर हो गया 14 लाइक ए एंड बी, तो ए एंड बी हो गया 14, फिर 12 लाइक सी एंड ए, तो सी एंड ए इज 12, फिर है 14 बी एंड सी, तो बी एंड सी इज 14, फिर है 8 लाइक ऑल थ्री प्रोडक्ट्स, यानी ए बी एंड सी, ये होगा 8। तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट सी ओनली, तो C ओनली निकालना है, तो सिंपल ही है, फार्मूला बना लो, C में से A और C को माइनस करो, B और C को माइनस करो, और A, B और C को ऐड कर लो, तो C वाला कितना है, C वाला है 29, A एंड C वाला हो गया 12, B एंड C वाला 14, और ये 8 हो गया, तो कितना हो गया 26, तो 3 प्लस 8 11 आंसर आ गया। अब इसके बाद एक एग्जांपल 34 ले लो, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन जो हमने डिस्कस करे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। ये कह रहा है एक कॉलेज अवार्डेड 38 मेडल्स इन फुटबॉल, तो फुटबॉल में कितने मेडल्स थे, 38, ठीक है। 15 इन बास्केटबॉल, बास्केटबॉल में 15 है, और 20 इन क्रिकेट, तो क्रिकेट में 20 हैं। इफ़ दीज मेडल वेंट टू ए टोटल ऑफ 58 मैन, तो टोटल कितने लोगों को गया, 58, तो इसका मतलब ये हो गया ए यूनियन, ए नहीं फुटबॉल है, तो ये जाएगा फुटबॉल यूनियन बास्केटबॉल यूनियन क्रिकेट, ये हो गया 58।
ठीक है, और ओनली थ्री मैन गॉट मेडल्स इन ऑल थ्री स्पोर्ट्स, यानी तीनों का इंटरसेक्शन, फुटबॉल, बास्केटबॉल और क्रिकेट, तीनों का इंटरसेक्शन थ्री है। तो मुझे बताना हाउ मैनी रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली टू ऑफ थ्री स्पोर्ट्स, यानी एग्जैक्टली टू ऑफ थ्री स्पोर्ट्स, ये क्वेश्चन है। तो आप सबसे पहले क्या करो, इसका फॉर्मूला लगा लो, फुटबॉल यूनियन बास्केटबॉल यूनियन क्रिकेट का, तो क्या बनेगा, पहले फुटबॉल, फिर पहले एक एक सिंगल सिंगल टर्म, ठीक है ऐसे, फिर माइनस करेंगे दो को, फुटबॉल बास्केटबॉल, बास्केटबॉल क्रिकेट एंड क्रिकेट एंड फुटबॉल, और ऐड करेंगे तीनों का, फुटबॉल बास्केटबॉल और क्रिकेट, तो इसकी वैल्यू 58 है। फुटबॉल की वैल्यू है 38, बास्केटबॉल की है 15, क्रिकेट की है 20, और इसके कॉमन की वैल्यू हमें नहीं मालूम, तो ब्रैकेट लगा लेते हैं, माइनस कॉमन ले लिया, फुटबॉल बास्केटबॉल बास्केटबॉल क्रिकेट एंड क्रिकेट फुटबॉल, ये एक साथ ले लिया एक ब्रैकेट में, और इसकी वैल्यू हमें पता है 3 है, तो 38 और 20 दोनों मिला के 58 हो गया, तो 58 से ये 58 कट जाएगा। इस टर्म को मैं लेफ्ट साइड पे ले जाता हूँ, तो ऐसे हो जाएगा, फुटबॉल पॉजिटिव हो जाएगा लेफ्ट साइड पे जाके, बास्केटबॉल क्रिकेट एंड क्रिकेट फुटबॉल इज इक्वल टू, ये दोनों का सम तो हो गया 58 प्लस 15 प्लस 3 माइनस 58, ये 58 इधर लाके माइनस हो गया, तो 58 से 58 कट गया, रह गया 18, सही है। अब ये आ गया मेरे पास 18, तो अब वेन डायग्राम बनाते हैं, ये हो गया फुटबॉल, ये हो गया बास्केटबॉल और ये हो गया क्रिकेट, फुटबॉल बास्केटबॉल और क्रिकेट। तो अगर हम ऐसे कहें कि ये है बी सपोज़, ये सी, ये डी, ये ई, सब जगह नेमिंग नहीं करें, बस जहाँ जहाँ इंटरसेक्शन है वहाँ पर, तो जब हम बोला बास्केटबॉल और फुटबॉल, तो बास्केटबॉल और फुटबॉल का क्या हो गया, बी प्लस सी, और फिर बोला हमने बास्केटबॉल और क्रिकेट का मतलब क्या हो गया, सी प्लस ई, फिर क्रिकेट और फुटबॉल का मतलब क्या हो गया, सी प्लस डी, सबका सम 18। तो अब इसमें देखो बी प्लस ई प्लस डी और 3C, ऐसे हो गया 3C, यानी सी क्या है, जो तीनों में कॉमन है, और तीनों में कॉमन की वैल्यू मुझे दे रखी है 3 है, ठीक है, तो हो गया बी ई और डी प्लस 3 × 3 18, तो ये 9 हो गया, 9 उधर जाके माइनस होगा, तो बी ई और डी मेरा कितना आ गया, 18 माइनस 9 यानी 9 मेरा आंसर आ गया। तो इससे ये पता चला कि जो एग्जैक्टली ये बी है जो सिर्फ दो गेम खेलता है बास्केटबॉल और फुटबॉल, डी है जो दो गेम खेलता है फुटबॉल और क्रिकेट, ई है जो दो गेम खेल रहा है बास्केटबॉल और क्रिकेट, तो हमें ऐसे चाहिए थे जो एग्जैक्टली दो गेम खेल रहे हैं, तो आंसर एग्जैक्टली टू गेम्स इज इक्वल टू 9, ये मेरा आंसर आ गया, खत्म।